मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अवैध उत्खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एनजीटी की रोक के बावजूद जतारा तहसील क्षेत्र की सपरार और सुखनाई नदी पर मशीनों की बेधड़क अवैध उत्खनन चल रहा है। हालांकि प्रशासन बड़े पैमाने पर हो रहे उत्खनन पर कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, लेकिन इस तरीके के दावे हमेशा होते हैं, पर सवाल यही है कि आखिर इस इलाके में अवैध उत्खनन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। तो रेत खदानों में हमने रोक, अवैध उत्खनन पे हमने रोक लगा रखी थी। जिले में वर्तमान में हमारे यहाँ कहीं पे भी मशीनों से उत्खनन होने की शिकायतें हमको प्राप्त नहीं हुई हैं। हमें बहुत बृहद पैमाने में कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, पुलिस बल द्वारा और साथ में कई बार हम लोगों ने संयुक्त दल के रूप में हम लोगों ने बड़ी कार्रवाइयां की। नहीं, हमको तो ऐसी जानकारी नहीं कि कहीं जिले में उत्खनन हो रहा है। जिले में बंद है, एनजीटी का रोक है तो बंद है, कहीं नहीं हो रही है। ठेकेदार, चार ठेकेदार जो भी जिले में रेता के हैं, जैसे पलेरा है, ये आपका चंदेरा है, तो जो खदान मतलब जमा करके रखे हुए हैं रेत को, वो लोग परमिशन लेते हैं और वो लोग अपना जो इकट्ठा है उसको धोते रहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अभी जिसे व्यापम का मामला उठा, ऐसे एक समय इन लोगों ने अवैध उत्खनन का मामला खूब कांग्रेस ने उछाला। अवैध उत्खनन और करते खुद है कि अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, खुद गुंडागर्दी करेंगे, खुद चोरी करेंगे।